दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। तो जैसा कि हम 110 तक कर चुके हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 111। 111 कितना अच्छा बोला मैंने, 111 होता है 111। चलो ओके, निम्नलिखित में से किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? तो इसका आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं बोलूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं और आपको पिछली वीडियोस आपको पसंद आई हैं और अगले वीडियोस क्या कोई इंतजार है, तो बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, और चैनल के सभी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को प्लीज तुरंत से तुरंत लाइक कर दीजिए जरूर। लाइक करने से क्या होगा, मुझे सपोर्ट मिलता है, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट बनाकर दे सकूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 111वां। 111वां क्वेश्चन करता है, निम्नलिखित में से किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? प्लांटेशन क्रॉप मतलब बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग किसे कहा जाता है? कमर्शियल फार्मिंग एक प्रकार की ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें मतलब हम फायदे के लिए करते हैं सिर्फ काम। तो इसका आंसर जो है आपका सी है, गन्ना है। इसकी मतलब जो है हम घर में बेसिकली ज्यादा यूज नहीं होता है और इसको हम बेचने के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या है? गन्ना है। आप अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गन्ने की खेती देखी नहीं होगी, तो उनके लिए मैं आपको गन्ने की खेती के कुछ तस्वीरें दिखा दूंगी। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है आपको ये दृश्य, है ना। ये जो है ये गन्ना है, और ये आप देख रहे होंगे ये जो है इसी को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। जब इसको मतलब एक जगह से उठा के हम लगा देते हैं और फिर इसको कट मतलब इसको 2 बार यूज किया जाता है। एक बार आपने मतलब इसके फसल जैसे ये इतना बड़ा हो गया और अच्छे से पक गया ये, तो इसको काट लो और आप इसको पहले एक बार यूज कर लो, फिर इसके बाद दोबारा इसको यूज करना, उसी को कहा जाता है प्लांटेशन क्रॉप। और ये जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई है, ये सब मतलब इसके सीजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका गन्ने की खेती है, देख सकते हैं आप जैसे कि। और गन्ने की खेती में जो आपका है यूपी, उत्तर प्रदेश, वो सबसे आगे रहता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 112 नंबर हमारा। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप द्वीप समूह, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप समूह है ये, एक न्यू गिनी वो क्या है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो मैं आपको पहला सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह, और दूसरा जो है दूसरा तो दिखाऊंगा ही, साथ साथ आपको पहले के भी दर्शन कराऊंगा। तो दर्शन करने के लिए आप सभी तैयार हैं, तो चलिए दर्शन करवाते हैं आप। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे बड़ा वो कौन सा है, ग्रीनलैंड, और वो कहाँ है, डेनमार्क में है, ठीक है दोस्तों। तो ग्रीनलैंड जो है वो आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्या है, द्वीप समूह, आइलैंड बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में द्वीप समूह बोला जाता है। तो ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जबकि न्यू गुइना जैसा कि आपने देखा है न्यू गिनी हिंदी में लिखा हुआ है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा है, और वो कहाँ पे है, वो इंडोनेशिया में है, पापुआ एंड वेस्ट पापुआ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, दुनिया का दूसरा, फिर तीसरा बोर्नियो, चौथा मेडागास्कर मेन आइलैंड, चौथा पांचवा है बफिन आइलैंड। तो आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप शुरू के 3 याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 3 नहीं भी चाहते हैं तो दूसरा न्यू गेना जो है वो कहाँ है, इंडोनेशिया में है, और दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, आपको ये याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इनमें इंडिया का कहीं नाम नहीं है, तो इंडिया में ऐसा कोई है नहीं अभी तक आइलैंड जो इतना बड़ा हो, स्टार्टिंग के 14 में आए जिसका नाम, ठीक है दोस्तों। तो आइलैंड नहीं है इंडिया में ऐसा। तो न्यू गिनी जो कि दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, तो इसको मैं आपको एक बार विजुअलाइज करके भी दिखा देता हूँ कि डेनमार्क है कहाँ और इंडोनेशिया कहाँ पे है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये आर्कटिक ओशन है, और ये आपका कनाडा है, और ये ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क है, ठीक है दोस्तों। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये कनाडा के जस्ट बगल में है, और इधर स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम जानते हैं, जहां ब्रिटिशर्स, यूके जिसको बोलते हैं हम, ब्रिटेन भी बोलते हैं, तो इसके जस्ट साइड में आइसलैंड है, उसके बाद ये ग्रीनलैंड, और ये ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, जल्दी बताइए क्या है दुनिया का सबसे बड़ा,
दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये देख सकते हैं, ग्रीनलैंड सी बोला जाता है इसको, ग्रीनलैंड समुद्र बोला जाता है। इसके जस्ट आप इधर चलिए तो ये रशिया आ जाएगा आपका, देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये रशिया है। और रशिया से जस्ट नीचे आपको पता है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इंडिया है। तो इंडिया और ग्रीनलैंड में डिस्टेंस देख सकते हैं आप, इस तरीके से है मैप में, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको दिखा दूं मैं, आपको बात करता हूं मैं किसका, दूसरे नंबर का, न्यू गुयाना का। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, न्यू गुयाना कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया भी दिखाऊंगा आपको और न्यू गुयाना भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, ये न्यू गुयाना है, क्या है दोस्तों, ये न्यू गुयाना और ये इंडोनेशिया है। और आपको मतलब एक अच्छे से समझाने के लिए दिखा दूं, नीचे क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के पास ये जो न्यू गुयाना जो है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। और इस पे क्या है, क्या है जल्दी बताइए, ये क्या है, इंडोनेशिया का पार्ट है। अब इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया से जस्ट ऊपर, और इधर चलते हैं तो हम क्या आएगा, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको, और इधर जब जाइएगा तो यूएस आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने पे यूएस आ जाएगा, देख रहे हैं आप। और आप उस तरफ चलते हैं, ये देखिए आपको मैं दिखा दूं, न्यू गुयाना ये दिख रहा है आपको साफ साफ। और न्यू गुयाना से आप जब चलिएगा किस तरफ, इस तरफ, तो ये आपको यहाँ पे पास में ही इंडिया दिख जाएगा। तो इंडिया से उस तरफ आपको क्या मिला था, जल्दी बताइए, ग्रीनलैंड, और इस तरफ क्या मिला आपको, न्यू गुयाना। ओके, तो न्यू गिनी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो आप याद कर लीजिएगा, न्यू गिनी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है, सॉरी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है आपका, जल्दी बताइए, ग्रीनलैंड। हाँ जी दोस्तों, तो ये मेडागास्कर, ये भी बता दिया आपको नंबर, आप पीछे जाके देख सकते हैं उसका नंबर कौन सा है, ये बोर्नियो कौन से नंबर पे है, न्यू गुयाना, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कौन से पे है, ग्रीनलैंड एक नंबर पे है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। जबकि न्यू गिनी क्या है आपका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह। अब चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, दिल्ली और निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच का रेल मार्ग सबसे छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिया हुआ है दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, दिल्ली से बेंगलुरु, दिल्ली से गुवाहाटी, और दिल्ली से चेन्नई। तो आपका आंसर है दिल्ली से चेन्नई, आपको ये याद कर लेना है। आप चाहें तो मैं एक बार मैपिंग करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप थोड़ी आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ी सी आइडिया लगा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका इंडियन रेलवे का मैप है, क्या है, इंडियन रेलवे का मैप। तो आपको मैं बताना था कि किसके बीच डिफरेंस दिखाऊंगा, तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको किस किस के बीच डिफरेंस दिखाने की बात करी है मैंने। तो सबसे पहले नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, गुवाहाटी और चेन्नई, ये हमारे कुछ जगह हैं जहां का डिफरेंस दिखाऊंगा आपको। देखिए नई दिल्ली आपको ये दिख रहा है, गुवाहाटी जो है आपको इस तरफ देखिए, गुवाहाटी, गुवाहाटी आप इधर ढूंढ सकते हैं, गुवाहाटी मिलेगा आपको, गैंगटॉक, ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी आपको दिखाता हूं मैं। आपका गुवाहाटी बेसिकली असम में पड़ता है, तो नई दिल्ली से असम का डिस्टेंस, और उसके बाद क्या है, फिर नई दिल्ली से बेंगलुरु, ठीक है दोस्तों। तो ये नई दिल्ली, बेंगलुरु आपका बहुत ज्यादा दूर इस तरफ पड़ेगा, बेंगलुरु, ये बेलगांव है, और बेंगलुरु इधर पड़ेगा आपका, मैसूर, कोयम्बटूर, ये रहा बेंगलुरु, बेंगलोर यहाँ पे है, और चेन्नई आपका इस तरफ, ये देखिए चेन्नई। तो चेन्नई का जो रूट है आपको इसमें लगेगा नहीं, इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जो डिस्टेंस दिखाया गया है बाय उसमें दिखाया है, तो वो ज्यादा पास पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो किसका पड़ता है आपका, दिल्ली से चेन्नई, तो ये सी आंसर, इसको आपको याद कर लेना है। इन सब में से सबसे पास जो है, कम डिस्टेंस जो होता है, चेन्नई का होता है। आपको मैंने तिरुवनंतपुरम नहीं दिखाया, एक बार दिखा देता हूँ, तिरुवनंतपुरम तो और नीचे है, देखिए तिरुवनंतपुरम केरल में है, तो ये तो आपका सबसे ज्यादा दूर, तो बैंगलोर और चेन्नई में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो चेन्नई इसका आंसर होगा, चेन्नई को ही मद्रास भी बोला जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, तो वो है सैन फ्रांसिस्को। तो किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को कैसा है, कहाँ दिखता है, मतलब किस देश में है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये एक ब्रिज है जो बहुत फेमस ब्रिज है, इस ब्रिज का आपने बहुत बार देखा होगा, ये कैलिफोर्निया में है बेसिकली, यूएसए में, ठीक है दोस्तों। तो इसको ही सैन फ्रांसिस्को जो है, इसी को क्या कहा जाता है,
देख लीजिए आप क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। किसको? सैन फ्रांसिस्को को। इस गेट के, इस मतलब इस ब्रिज की वजह से ही इसको कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, आरबीसी जो होगा उसका उसका संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? सभी ध्वनियां संकुचित हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तिल्ली और लेफ्ट की विकृति आ जाती है? नहीं, आरबीसी का क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा अगर उनको क्या दिया दिया जाए, गलत प्रकार का, मतलब जिसको जिस चीज की, जिस ब्लड की आवश्यकता, जिस रक्त की आवश्यकता है उसके अलावा अगर दे दिया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आरबीसी का। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, आप याद कर लीजिएगा, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स है, अगर कभी आता है एग्जाम में तो आप उसका भी कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल। और दूसरा होता है WBC, उसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है, NIS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्या है NIS का, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देखिए आपको एक चीज मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS फॉर इन्फेंट्स, ये किस चीज के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, चिल्ड्रंस के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ना, वो आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी का हो गया, और इसी तरीके के और भी, TET का हो गया, टेटनस का लगाया जाता है, रोट्रोवायरस का लगाया जाता है, IPV, मिजल्स, विटामिन ए, इस तरीके के अलग अलग डोजेस दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है दोस्तों? तो ये जो है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन करता है इसको कंडक्ट, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल करता है इसको, ठीक है दोस्तों? तो यही हमारा क्या है, ये जो है नेशनल NIS क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब कब किस टाइम किस बच्चे को क्या देना है। तो इन्फेंट मस्कुलर रूट क्या है, साइट क्या है, किस जगह पे ये अटैक करेगा, अटैक मतलब वर्क करेगा किस पार्ट में इसको वर्क होगा, ठीक है दोस्तों? तो ये आपका सारा जो है यही करता है NIS। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाल जाती हैं तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो डी जो है आर्सेनिक के कारण। किसके कारण उसके शरीर में जहर फैलेगा, वो है आर्सेनिक के कारण। मतलब किसी को, अगर किसी व्यक्ति को चार पांच गोलियां लगती हैं जिसमें से तीन चार निकाल दी जाती है और एक आध उसके बॉडी में रह जाती है, तो उसके पूरे बॉडी में जो जहर फैलेगा वो फैलेगा आर्सेनिक के कारण। अब दादा की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की, दाद, दाद, सॉरी, दाद जो होती है वो फंगल बीमारी होती है, उसको क्या कहा जाता है, फंगल। आपने टीवी पर बहुत ऐड आते हैं, दाद खुजली, इस टाइप की इलाज करें, दाद खुजली से छुटकारा पाएं, पता नहीं क्या क्या। तो ये किस प्रकार की होती है, इस पर ये होती है फंगल टाइप्स की। मैं इसकी इमेज नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ी अच्छी नहीं होती, तो प्लीज उसको अवॉइड करते हैं, बस ऐसे ही याद कर लीजिए, उसको समझने की कोशिश कर लीजिए और समझ लीजिए। ओके, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि बी जो है आपका मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कहाँ स्थित होती है, ठीक है? हाँ जी दोस्तों, देख पा रहे हैं, पीयूष ग्रंथि जो ये इस पार्ट में स्थित होता है, और भी मैंने आपके ग्रंथिज के नाम दिए हुए हैं, तो आप प्लीज इन ग्रंथिज के नाम भी देख लीजिए और इनको भी याद कर लीजिए। पीनियल ग्रंथि यहाँ होता है मस्तिष्क के, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होता है, थायमस ग्रंथि हमारे चेस्ट के आसपास होता है, और ये जो हमारा एड्रिनल ग्रंथि है ये किडनी में होता है, तो इस तरीके से अग्नाशय ग्रंथि हमारे अग्नाशय में होता है। तो ये आप इस तरह से इसको याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो जोसेफ अस्फादीन। किसने की थी? जोसेफ अस्फादीन, इसका नाम याद कर लीजिए, जोसेफ अस्फादीन का। हां जी दोस्तों, तो यही है जोसेफ अस्फादीन, देख पा रहे हैं इनकी मूछें, इनके बाल, इनका हेल्थ। ओके, तो इनका जन्म जो है 1778 में हुआ था और ये 1855 ईस्वी तक रहे थे। तो ये जोसेफ अस्फादीन ने ही क्या किया था, सीमेंट की खोज की थी दोस्तों, ठीक है? तो जिसकी वजह से आज आप क्या कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं और अपने घर को सीमेंट की हेल्प से बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। अगला है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्ष का आकार कैसा है? तो उसका जो है हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, दीर्घवृत्ताकार और वृत्ताकार। तो इसका जो है दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है दोस्तों? दीर्घवृत्ताकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्स, एलिप्टिकल। और अंडे का जैसा आकार होता है ना,
उसके आकार की टाइप का है इसका पृथ्वी के जो कक्ष है, जिसके जिस कक्ष में सूर्य के चारों ओर ये चक्कर काटते हैं। तो ये कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे ऑर्बिटल प्लेन, ये देखिए ये जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस कैसा है? सर्कुलर तो नहीं है। ये जिस टाइप का है इसी को एलिप्टिकल बोला जाता है या दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार इसी को बोला जाता है। तो आप जब यहाँ पर होता है तो इस टाइम सर्दी होती है, इसी तरीके से यहाँ होता है तो सर्दी होती है, लेकिन जब ये पास में होता है बिल्कुल तो क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो जब सूर्य के पास जाएंगे तो गर्मी होगी और सूर्य से जब दूर जाएंगे तो सर्दी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या है, रोटेशन है, एलिप्टिकल और दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं इसी को। अब देखिए अगला है, सर्वश्रेष्ठ कोटे का कुकिंग कोल कहां से प्राप्त किया जाता है? नवेली, रानीगंज, झारिया, सिंगरौली। तो ये सारे जो हैं ये कोल माइंस की जगह हैं। क्या है? नवेली, रानीगंज, सिंगरौली, झारिया। तो सर्वश्रेष्ठ कुकिंग कोल जो होता है वो कहां मिलता है? झारिया में मिलता है। झारिया एक जगह है, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार विजुलाइज करवा देता हूँ कि कहाँ पे है ये झारिया। तो ये देखिए ये है आपका झारिया। झारिया जो है ये झारखंड में पड़ता है, झारिया झारखंड याद कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है आपको मतलब खाना बनाने के लिए मतलब उसके टाइप का जो कोल होता है वो प्राप्त होता है। तो झारखंड में ज्यादातर एरिया ऐसे ही हैं जहाँ पर क्या हो, कोल प्राप्त हो। और ये देख सकते हैं झारिया किसके नदी के किनारे है? दामोदर रिवर के, ठीक है, दामोदर रिवर के किनारे पे है ये। ठीक है दोस्तों, ये और आपके और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं यहाँ पे, मतलब धनबाद देख सकते हैं, धनबाद से थोड़े से डिस्टेंस पे है ये, जोरा पोखर, सिंदरी। धनबाद तो वैसे फेमस है, तो धनबाद से आप रिलेट करके झारिया को याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुकिंग कोल का सबसे उच्चतम कोटि कहाँ मिलता है? झारिया में मिलता है, जो कि दामोदर रिवर के किनारे पे है और धनबाद के आसपास है। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है? क्योंकि ये गुजरात जो है उथले समुद्र का सर्वाधिक क्षेत्र है। क्या है? उथले समुद्र। आप जानते हैं गुजरात कहाँ पे? गुजरात बिल्कुल समुद्र के किनारे पे है दोस्तों, जिसकी वजह से मतलब वहां पर समुद्र के किनारे तो और भी हैं, लेकिन इसको उथले समुद्र का सर्वाधिक क्षेत्र कहा जाता है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो है गुजरात, ये उथला समुद्र इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? उथला समुद्र। यहाँ पे जो है आसपास के एरिए में मतलब नमक निकालना बहुत ही आसान है, और गुजरात जो है इसीलिए क्या है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा झरना है? वो क्या है? वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा झरना है? वेनेजुएला। वेनेजुएला देखना चाह रहे हो आप? देखना है। वेनेजुएला एक देश है जहां पर क्या है, झरना। झरना जानते हैं, पहाड़ से पानी जब गिरता है तो उसको झरना बोला जाता है। तो मैं आपको दिखा दूं। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है, ये भी बताऊंगा आपको, WTO से है वैसे। तो इससे पहले आपको करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे ऊंचा झरना है? ये देख रहे हैं आप, ये वेनेजुएला की जो एंजल फॉल, उसका नाम क्या है? एंजल फॉल। यही है टॉलेस्ट वॉटरफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, एंजल फॉल, और ये कहां पे है? वेनेजुएला में। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वेनेजुएला है ब्राजील के पास, तो यहीं पर इसके इसके पास ही, इस देश के पास ही क्या है, एंजल फॉल्स, जो कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा वो है वॉटरफॉल। दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए आपको ले जाएगा सीधे एंजल फॉल्स के पास। ये है आपका एंजल फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये एंजल फॉल्स है। देख रहे हैं आप, ये सेल डंजोल बोला जाता है इसको, ये वेनेजुएला में। कहाँ पे है ये? ये आपका वेनेजुएला में। ये देख, ये यही है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट वॉटरफॉल, ब्राजील में, वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? वो है WTO से, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ट्रिप्स और ट्रिम्स। WTO का मतलब क्या होता है? WTO जो है एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब दो देशों के बीच या मतलब दुनिया में हर देश के बीच क्या होता है, ट्रेड, ट्रेड होता है बिजनेस, बिजनेस होता है व्यापार। व्यापार जब होता है तो उसके रक्षण के लिए, जैसे आपके घर में है, परिवार का हेड होता है जो देखता है कि घर कैसे चलाना है, तो इसीलिए दुनिया, इसी तरह से
दुनिया में ग्लोबलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन में कैसे चलना है दुनिया में ट्रेड, उसको कौन हैंडल करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश लागू करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वो रहता है आपका 6 महीने के लिए लागू। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश जो होता है एक प्रकार का, तो ये अध्यादेश जो होता है एक प्रकार का मतलब आदेश होता है जो राष्ट्रपति को आर्टिकल धारा आर्टिकल जो है वन अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति को ताकत पावर देता है जो अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस लाने का मतलब होता है कानून, कोई भी एक ऐसा कानून बना सकता है जो कि 6 महीने तक वैलिड होगा। आफ्टर दैट 6 महीने के बाद उसको संसद, संसद लोकसभा राज्यसभा है वहां पर उसे पास करवाना होता है और परमानेंटली वहां से पास होने के बाद वो हमेशा के लिए कानून बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अध्यादेश कितने महीने के लिए राष्ट्रपति ला सकते हैं? वो है 6 महीने के लिए ला सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल अनुच्छेद क्या है? 123 अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद जैसे ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन उससे पहले उसके लिए एक अध्यादेश लाया गया था। अध्यादेश लाके उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, बाद में उसको कानूनी तौर से जैसे संसद में उसको पास करवा के बिल बना के पास करके उसको किया गया था। ठीक है दोस्तों, कानून बनाया गया था। तो ये कितना है? राष्ट्रपति अध्यादेश कितने महीने के लिए ला सकता है? 6 महीने के लिए। आर्टिकल कौन सा है? 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अगला है बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच चलाई गई? तो इसका आंसर है सियालदा से नई दिल्ली। दुरंतो एक रेलगाड़ी है और बिना विराम मतलब सीधे सियालदा से नई दिल्ली आएगी और नई दिल्ली से सियालदा जाएगी, और ये वातानुकूलित मतलब एसी वाली ट्रेन है, एसी वाली बोलते हैं ना, उसका नाम क्या है? दुरंतो। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो सियालदा से नई दिल्ली है, सियालदा से ये देख रहे हैं ना, सियालदा से नई दिल्ली, तो ये सियालदा से नई दिल्ली वाली तस्वीर है और ये दुरंतो है बेसिकली, और जो कि क्या करती है मतलब सबसे पहली जो चलाई गई थी वो सियालदा से सीधे नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सियालदा से नई दिल्ली जाती थी और वातानुकूलित फुल्ली एसी थी, मतलब एसी था पूरा, और सियालदा से स्टार्ट होती थी, चालू होती थी ट्रेन, और बीच में कहीं रुके बिना कहाँ रुकती थी? सीधे नई दिल्ली। इसी तरीके से बिना विराम मतलब बोला गया है, और नई दिल्ली से स्टार्ट होके सियालदा, तो ये कौन सी थी? नई दिल्ली से सियालदा और सियालदा से नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सी होती है? गन्ने की खेती को प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। गन्ना जो होता है उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, गन्ने का भी मैं आपको एक क्वेश्चन पहले भी आया था, वो कौन सा है? प्लांटेशन क्रॉप, क्रॉप है, प्लांटेशन की खेती है, प्लांटेशन क्रॉप है गन्ना। और इसी का एक और आ गया आपके पास 128 क्वेश्चन नंबर, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता ना तो मक्के की होती है इतनी, ना ही जौ और ना ही गेहूं, जबकि गेहूं को तो बहुत ज्यादा वैसे भी पानी चाहिए होता है, लेकिन गेहूं का भी, गेहूं से भी ज्यादा किसको चाहिए? वो चाहिए गन्ने को। तो गन्ने का जो है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध में ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक होता है? तो वो है गांधी सागर कि बांध जो है ऊर्जा का उत्पादन उत्पादन सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक होता है, गांधी सागर। यस दोस्तों, ये गांधी सागर डैम है जिसकी आवश्यकता देखिए क्या होती है, बांध में ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक होता है। सिंचाई के लिए जितनी मात्रा है उससे भी अधिक किस चीज के लिए होता है? ये ऊर्जा का उत्पादन के लिए होता है। तो ये है आपका गांधी सागर और ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर लीजिए। अगला है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? 80 किलोमीटर छोटा है, याद कर लीजिएगा इसको। ध्रुवीय व्यास, ध्रुव जो है, ध्रुव जो होता है मेन होता है ऊपर का और नीचे का, तो ध्रुवीय व्यास जब हम इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर लगाएंगे, और विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? 80 किलोमीटर छोटा है, ये याद कर लीजिए आप।
पृथ्वी का विषुवत रेखा के स्थानों पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक गर्म क्यों होती है? विषुवत रेखा पर क्या होता है, डायरेक्ट आती है, क्या आती है, डायरेक्ट आती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, डायरेक्ट मतलब सीधी पड़ती है। पहली बात, सूर्य से इसकी दूरी बहुत कम होती है, जो ये जो होता है हमारा विषुवत रेखा, उस पर क्या होता है, सूर्य से मतलब बहुत कम दूरी पर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये विषुवत रेखा है, मतलब देखिए इस पर सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तेजी से पड़ती हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से इसकी दूरी बहुत कम होती है, तो ये ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। तो आप प्लीज ऐसा मत लिखिएगा कि आंसर सी, ऐसा नहीं लिखना है, आपको इसका लिखना है पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा सूर्य से इसकी दूरी बहुत कम होती है, दोनों लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों। और अगला है, भारत और संयुक्त राज्य ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया? तो ये क्या है, व्यापार और निवेश, बौद्धिक संपदा, पारंपरिक ज्ञान, मतलब ये सभी जो है, इन सभी में उन्होंने क्या किया है, अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है, और दोनों देश आपस में इस पर बहुत अच्छी सहमति बनाना चाहते हैं और डील करना चाहते हैं और इन चीजों पर बहुत सारी चीजें आपस में करना चाहते हैं। तो ये सारे तीनों ही ऑप्शन है आपके, तीनों ही लिखना है इसमें भी, ये नहीं कि डी लिख दिया, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर, मतलब ये भी ए भी है और बी ए और सी तीनों ही इसका आंसर है। व्यापार और निवेश भी है, बौद्धिक संपदा भी है और पारंपरिक ज्ञान, मतलब व्यापार और निवेश तो बेसिकली जो वहां की टेक्नोलॉजी है और वहां से जो बिजनेसमैन होंगे वो हमारे देश में आके अपनी कंपनी सेटअप करेंगे और हमारे देश में निवेश करेंगे। इसी तरीके से बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा मतलब उनके पास जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमारे को ट्रांसफर करेंगे। पारंपरिक ज्ञान मतलब कुछ ज्ञान हमसे लेंगे और कुछ ज्ञान हमें देंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 133, अब देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका क्या है, राजस्थान जो है नर्मदा नदी की घाटी का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों ही राज्य जो हैं ये इसके हिस्सा हैं, मतलब नर्मदा नदी इन तीनों राज्य से गुजरती है जबकि राजस्थान से नहीं गुजरती है, ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना है आपको। मैं एक बार नर्मदा नदी का दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे दोस्तों, ये महाराष्ट्र, ये सॉरी ये मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से होकर गुजरती है जबकि राजस्थान यहाँ पर है, तो ये राजस्थान से बेसिकली होकर बिल्कुल नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, राजस्थान, मतलब राजस्थान से बिल्कुल होकर नहीं गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती है, तो ये इसका हिस्सा है जबकि राजस्थान इसका हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है? तो भारत जो है मतलब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है ट्विटर के लिए, इसका मतलब सीधा तात्पर्य है कि भारत में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ट्विटर को यूज किया जाता है, चलाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है, द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, बी, द्विपक्षीय व्यापार, मतलब जैसे देखिए मेरा एक बिजनेस है और आपका भी एक बिजनेस है, तो मैंने भी आपको अपनी वस्तुएं बेची और आपने भी मुझे अपनी वस्तुएं बेची, तो इसी को कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज, वस्तु विनिमय दो देशों के बीच जब होती है तो उसको द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी में, हिल स्लोप्स मतलब पर्वतीय स्लोप, पर्वतीय स्लोप क्या होता है, मतलब बेसिकली स्लोप जानते हैं, स्लोप एक ऐसा तिरछे वो होता है नीचे की तरफ होता है, जैसे कि मान लीजिए आप, आपकी सीढ़ियां कैसी है, स्लोप है वो स्लोप है, तो स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो सोपान कृषि द्वारा क्या किया जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो है इसी को सोपान कृषि कहा जाता है। सोपान कृषि बेसिकली सीढ़ीदार जो कैसी होती है खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा, मतलब देखिए सीढ़ी लग रहा है ना आपको, स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, और सोपान कृषि मतलब थोड़ा इसका बड़ा लार्ज स्केल होता है और सीढ़ी नुमा खेती जो होती है वो थोड़े मतलब ज्यादा पास पास होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसी को कहा जाता है सोपान कृषि। अगर आप सभी के आसपास के एरिया में कभी ऐसा कुछ जैसे कि रोड बनते हैं जो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो उनका जो ढलान सा होता है उसको भी इस टाइप से कर दिया जाता है कि उनका मृदा का अपरदन ना हो,
तो उस टाइप के भी उसको कहते हैं सोपान कृषि। सोपान मतलब सोपान तरीका, मेथड जो है उसी मेथड से उसको किया जाता है ऐसा। अब है जियोग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था, तो वो कौन थे, इराटोस्थेनिस। कौन थे, इराटोस्थेनिस, इन्होंने की थी आपके जियोग्राफी शब्द की खोज। जियोग्राफी आप सभी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, सभी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, तो उसका खोज किसने किया था तो जान लेना जरूरी होता है कि इराटोस्थेनिस ने। हाँ जी दोस्तों, तो यही है इराटोस्थेनिस, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, मतलब देख रहा है बस आपको दिखा दिया है इमेज जिससे आपको याद रह सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा और स्टील उद्योग लगभग पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, तो वो कौन है, जापान है। जापान के पास मतलब इतना वो नहीं है जो वहां पर आप वहां वो लोहा और स्टील निकाल सकें, ये उनके पास प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं और अपने यहाँ उस चीज को अलग तरीके से विकसित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टील उद्योग, लोहा उद्योग बहुत ज्यादा विकसित है वहां पे, उनके जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत विकसित है, जिससे वो स्टील और लोहे बाहर से दूसरे देशों से जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम विकसित है वहां से मंगवाते हैं, अपने यहाँ आयात करते हैं, और मतलब कच्चा माल आयात करते हैं और वहां पर उसको अपनी टेक्नोलॉजी से विकसित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां नदी और समुद्र का जल मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ज्वार नदमुख एक्सचुरी। जैसा कि मैंने दिखाया था डेल्टा का आपको, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का डेल्टा की डेफिनेशन, वहां पर क्या था, नदी और समुद्र एक दूसरे से मिल रहे थे, तो उसको बोलते हैं एस्चुअरी, ज्वार नदमुख, याद कर लीजिएगा आपको इसको, एस्चुअरी ज्वार नदमुख। हाँ जी दोस्तों, देख पा रहे होंगे, ये देखिए समुद्र में मिल रहे हैं इस टाइप से, जब ये देखिए ये रिवर है, ये सी में मिल रहा है, तो इसको ही ज्वार नदमुख बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका जानते हैं आप, मतलब दक्षिण अफ्रीका में प्राकृतिक संपदा बहुत ज्यादा है, वो देश विकसित नहीं हुआ क्योंकि वहां से जो संपदा है दूसरे देश निकाल लेते हैं और दूसरे देश को परमिशन दिया जाता है, वहां की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि वो अपने चीजों को निकाल पाए, लेकिन सोने का सबसे उत्पादन कौन करता है, दक्षिण अफ्रीका, वहां पर सोने बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में है और वहां से निकाल के पूरे दुनिया में फैलाया जाता है और उसको व्यापार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अब इतना ही आज कर रहा हूं मैं, अगले वीडियो में हम इससे आगे करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, थैंक यू सो मच।